नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट सॉल्यूशन बाय राव में। आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ, विच इज डिजाइन ऑफ कॉनिकल डोम। पिछली वीडियो में हमने डिजाइन ऑफ स्फेरिकल डोम किया था, तो जिन भी मेरे फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम डिजाइन ऑफ कॉनिकल डोम्स। तो डिजाइन स्टार्ट करने से पहले कुछ डिजाइन स्टेप्स जो हम फॉलो करेंगे इस डिजाइन को करने के लिए, उनको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट, अज्यूम थिकनेस ऑफ डोम 75 mm टू 150 mm। जैसा हमने स्फेरिकल डोम में भी अज्यूम किया था, थिकनेस ऑफ डोम 75 टू 150 mm किया है। देन व्हाट वी नीड टू डू इज कैलकुलेट सेल्फ वेट ऑफ डोम। तो जो भी सेल्फ वेट होगा डोम का, वो कैलकुलेट करेंगे। देन आफ्टर कैलकुलेट टोटल लोड। टोटल लोड क्या होगा? इट विल बी द सम ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड। ये डेड लोड सेल्फ वेट भी हो सकता है, प्लस अदर लोड्स लाइक विंड लोड एंड अदर। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल लोड। इसके बाद वी नीड टू कैलकुलेट द एंगल। ये एंगल कौन सा होगा? देखिए, अगर हमारा डोम कोनिकल कुछ इस शेप का है और ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा थीटा, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आगे आने वाले एग्जाम्पल में हम करेंगे इसको, ठीक है। देन आफ्टर वी नीड टू कैलकुलेट मेरिडनल थ्रस्ट। मेरिडनल थ्रस्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे सरफेस के इस एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है, उनको हम बोलेंगे मेरिडनल थ्रस्ट। और जो मेरिडनल स्ट्रेस या थ्रस्ट फोर्सेस और जो इस डायरेक्शन में होगी, उनको बोलेंगे हुप स्ट्रेसेस या हुप टेंशन, ठीक है जी। एंड द फार्मूला विल बी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई अपॉन टू कोस केयर थीटा। अब डब्ल्यू विल बी द टोटल लोड, दिस इज टोटल लोड, वाई विल बी द हाइट, ये हाइट ये वाली जो बेस से लेके टॉप तक की हाइट होगी, दैट विल बी आर वाई, ठीक है जी। देन आफ्टर हुप कंप्रेशन विच इज एच इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई टेन स्क्वेयर थीटा। एंड मेरिडनल स्ट्रेस निकालेंगे फिर हम। मेरिडनल थ्रस्ट हमने निकाली थी टी, तो टी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी द मेरिडनल स्ट्रेस, ठीक है जी। उसके बाद जब हमारे पास हुप कंप्रेशन एंड मेरिडनल स्ट्रेस है, तो हम इन दोनों के लिए एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे, दैट मीन्स स्टील प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। जो भी रिक्वायर्ड होगा विल प्रोवाइड अकॉर्डिंगली। देन आफ्टर डिजाइन ऑफ रिंग बीम। रिंग बीम क्या होता है कि जो भी हमारा ये डोम होगा, उसके नीचे जो ये बीम होता है यहाँ पे, जिसके ऊपर ये बीम सपोर्टेड होता है, जिसके ऊपर ये हमारा डोम सपोर्टेड होता है, वो रिंग बीम हम डिजाइन करेंगे। नाउ फॉर रिंग बीम कैलकुलेट कंपोनेंट ऑफ मेरिडनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मेरिडनल थ्रस्ट एट बेस व्हिच इज इक्वल टू टी साइन थीटा। देन आफ्टर हुप टेंशन इन रिंग बीम दैट विल बी टी साइन थीटा डॉट आर, वेयर आर इज द रेडियस, यहाँ पे जो रेडियस होगा आर, ठीक है। एंड वहीं से हम निकाल लेंगे ए एस टी। ए एस टी क्या होगा? हुप टेंशन डिवाइडेड बाय परमिसिबल टेंशन स्टील। परमिसिबल टेंशन स्टील हम निकालते हैं टेबल 22 ऑफ IS 456। इस कोड से हम ये परमिसिबल स्ट्रेस निकाल लेंगे, ठीक है जी। देन आफ्टर लास्ट में हम क्या करेंगे? साइज ऑफ रिंग बीम निकालेंगे। एंड साइज ऑफ रिंग बीम के लिए हम यूज करेंगे सिग्मा सी बी सी। परमिसिबल टेंशन इन कंक्रीट इज इक्वल टू ए, वेयर ए विल बी द एरिया ऑफ रिंग बीम प्लस एम। एम क्या होता है? मॉडुलर रेशियो -1 ओवर ए एस टी। ए एस टी क्या होगा? जो एरिया ऑफ स्टील हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एंड एम एम विल बी इक्वल टू 280 ओवर 3 सिग्मा सी बी सी। सिग्मा सी बी सी जो मैंने यहाँ पे बताया, वही होगा यहाँ पे, हमने पुट करके वैल्यू निकालनी है,
ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक से डिजाइन स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे डिजाइन ऑफ कॉनिकल डोम के लिए। तो चलिए इसी से एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं अब आगे। तो एग्जांपल हमें दिया हुआ है, डिजाइन अ कॉनिकल डोम रूफ फॉर अ रूम विद बेस डायमीटर एज 12 मीटर, द लाइव लोड ड्यू टू विंड स्नो एक्सेट्रा मे बी टेकन एज 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, द हाइट ऑफ रूम इज 4 मीटर, यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। तो हमें पूरी स्टेटमेंट दे दी गई है। पहले इसके अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम बनाएंगे, देन आफ्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें कॉनिकल डोम डिजाइन करना है। कॉनिकल डोम कुछ इस शेप का होगा। ये बेस दिया हुआ हमें 12 मीटर, दैट मींस रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 6 मीटर, और ये हाइट दी हुई हमें 4 मीटर, ये भी 6 मीटर होगा। यहाँ पे एक एंगल होगा थीटा, यहाँ पे भी थीटा एंगल होगा। ठीक है जी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमने क्या करना है, थिकनेस को अज्यूम करना है। लेट थिकनेस ऑफ डोम इज इक्वल टू 100 mm। ठीक है जी, अज्यूम किया हमने 100 mm। नाउ सेल्फ वेट निकालेंगे। अब हम सेल्फ वेट ऑफ डोम हंड्रेड बाय थाउजेंड इंटू 25,000, तो ये आ जाएगा 2500 न्यूटन। ठीक है जी। नाउ लाइव लोड हमें दिया हुआ है, जो वो दिया हुआ है 1000 न्यूटन। सो टोटल लोड विल बी 2500 प्लस 1000 इज इक्वल टू 3500 न्यूटन। तो W आ गया हमारा 3500 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ये सारा लोड जो है पर मीटर स्केयर में है, लाइव लोड भी हमें पर मीटर स्केयर में दिया हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद हमने ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा फाइंड करना है। तो अगर हम ये एक राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, और जिसमें हमारा बेस हो गया 6 मीटर, परपेंडिकुलर 4, या फिर हम इसको देखिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 6 और बेस हो जाएगा 4। तो टेन थीटा अगर हम लेते हैं, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर और बेस, विच इज परपेंडिकुलर यहाँ पे है 6/4 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है जी। तो हम थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से, थीटा हो जाएगा 10 इनवर्स 1.5। ठीक है जी। आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पर मैं ये वैल्यूज डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर हार्पोन्यूज, और हार्पोन्यूज अगर मैं यहां से निकालता हूं इस डायग्राम से, तो हार्पोन्यूज हो जाएगा 6² + 4² का होल ऑफ अंडर रूट। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6² + 4², और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√13। ठीक है जी। तो साइन थीटा भी हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 6/2√13, विच इज इक्वल टू 3/√13। सिमिलरली अगर मैं कोस थीटा निकालूं, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 4/2√13, विच इज इक्वल टू 2/√13। तो ये वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इनको डायरेक्टली थीटा डिग्रीज में निकाल लिए, फिर बाद में आगे वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं, बट मैं थोड़ा ईज करने के लिए इसको डायरेक्ट वैल्यूज ही निकाल लेता हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट मेरिडियल थ्रस्ट विच विल बी टी। टी क्या है, WY/
टू कोस केयर थीटा। ठीक है जी, मैक्सिमम कहाँ पे होगी ये वाई? अगर वाई की वैल्यू मैक्सिमम है तो हमारी मेरिडल थ्रस्ट मैक्सिमम होगी, और वाई की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप इसमें भी देखें तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी है? 4। तो अगर टी मैक्स निकालना है दैट विल बी एट 4। तो इसको सोल्व करेंगे हम, 3500 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 इंटू कोस स्केयर थीटा, 2 स्केयर ओवर अंडर रूट 13 का स्क्वेयर। तो इसको हम सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 22750 न्यूटन। ठीक है जी, नाउ हुप कंप्रेशन, हुप कंप्रेशन था हमारा डब्ल्यू वाई टेन स्क्वेयर थीटा। डब्ल्यू है हमारा 3500, y इज 4, एट 10 थीटा की वैल्यू थी 1.5 होल स्क्वायर। नाउ दिस विल बिकम 31500 न्यूटन। ठीक है जी, और अगर मैं मेरिनल स्ट्रेस निकालता हूं तो वो जाएगा हमारा मेरिडल थ्रस्ट ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मेरिडल थ्रस्ट है 22750 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होएगा 100 जो थिकनेस है इंटू 1 मीटर, एमएम में लेंगे तो ये हो जाएगा 0.2275 न्यूटन पर एमएम स्क्वेयर। देखिए काफी छोटा है, और अगर हम हुप कंप्रेशन को भी न्यूटन पर एमएम स्क्वेयर में लिखना चाहें तो वो हो जाएगा 0.31500 न्यूटन पर एमएम स्क्वेयर। तो दोनों ही स्ट्रेसेस, हुप कंप्रेशन स्ट्रेस एंड मेरिडल स्ट्रेस, काफी छोटी है। तो हम जब हमारे पास काफी कम वैल्यू है तो हम मिनिमम रेनफोर्समेंट यूज करेंगे। मिनिमम रेनफोर्समेंट डोम के लिए कितना यूज करते हैं? 0.3%। एज स्ट्रेसेस आर वेरी स्मॉल सो प्रोवाइड मिनिमम स्टील 0.3%, देयर फोर AST विल बी 0.3/100 इंटू 100 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 300 mm स्क्वेयर। ये पर मीटर विड्थ के लिए होता है। नाउ यूज, अब यहां पे आप मिनिमम 10 mm बार भी यूज कर सकते हैं, 8 mm भी, मिनिमम 8 mm बार यूज कर सकते हैं आप, 10 भी यूज कर सकते हैं, इट्स नाउ डिपेंड अपॉन योर चॉइस। सो वी विल यूज 10 mm बार। नाउ 10 mm 5 बार, तो एक बार का एरिया होता है 78.5 mm स्क्वेयर। 10 mm बार अगर यूज कर रहे हैं तो हमें स्पेसिंग भी चाहिए होगी, किसी स्पेसिंग भी यूज करना है। तो स्पेसिंग विल बी, जैसे हम पहले निकालते थे, पाई बाय 4 10 स्क्वेयर इंटू 1000 ओवर टोटल एरिया ऑफ स्टील। नाउ दिस विल बिकम 261.7 mm विच इज अप्रोक्सीमेट 260 mm। सो यूज 10 mm फाई एट 260 mm सेंटर टू सेंटर इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है जी, नाउ डिजाइन ऑफ रिंग बीम। रिंग बीम हमने डिजाइन करना है, तो
रिंग बीम डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मेरिडनल थ्रस्ट, ये हो जाएगा टी साइन थीटा एंड दिस बिकम 22750 इनटू 3/13 18960 न्यूटन पर मीटर एंड हुप टेंशन हुप टेंशन इन रिंग विल बी 18960 इंटू आर 18960 इंटू 6 इज इक्वल टू 11 3760 न्यूटन। तो ये हमारी हुप टेंशन आ गई। अब अगर हमारे पास हुप टेंशन आ गई है तो हम डायरेक्टली AST निकाल सकते हैं। AST विल बी हुप टेंशन ओवर परमिसिबल टेंशन इन स्टील, ये हमें निकल जाएगा टेबल नंबर 23 ऑफ IS 456 से, जिसमें Fe 415 स्टील के लिए परमिसिबल टेंशन इन स्टील होती है 230। सो हुप टेंशन इज 11370 ओवर 230। नाउ दिस विल बिकम 494.61 mm². अगर यहाँ पे भी हम 8 बार्स यूज करते हैं, यूज 8 bars of 10 mm phi, तो area of steel provided क्या आएगा? AST provided at ring beam is equal to 628 mm². ठीक है जी, तो ये हमने AST provide कर लिया। Now we need to calculate the size of beam, size of बीम। साइज ऑफ बीम के लिए फॉर्मूला था सिग्मा सी बी सी इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन ओवर ए एस टी। नाउ सिग्मा सी बी सी इज 2.8 फ्रॉम टेबल नंबर ऑफ 21 एंड ए वी नीड टू कैलकुलेट प्लस एम। नाउ एम इज 280 ओवर 3 सिग्मा CBC और इसकी वैल्यू आएगी 13.33 अप्रोक्सीमेट 13। तो 13 माइनस 1 इंटू AST, यहाँ से जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया आ जाता है हमारा 33093 mm². नाउ यूज रिंग साइज ऑफ 175 mm इंटू 200 mm, देयरफॉर एरिया प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 35,000 mm², विच इज मोर देन दिस रिक्वायर्ड। और ये था हमारा डिजाइन ऑफ कोनिकल डोम। अब हमने क्या करना है, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू भी डिजाइन करना है, तो वो भी हम बना लेते हैं। सो दिस विल बी आवर क्रॉस सेक्शनल व्यू, जहां पे ये थिकनेस जो है ये है 100 mm और जो ये रिइंफोर्समेंट दिया है हमने ये भी और इवन ये भी, ये है 10 mm फाई एट
260 center to center, and these all are the 8 numbers of 10 mm phi. ठीक है जी, तो ये हमारा डिज़ाइन ऑफ कॉनिकल डोम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो से और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।